बेसिकली जो एक्ट है अभी रिसेंटली आया है 2002 में, तो उन्होंने काफी सारी चीजें नोटिस की हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारा ब्लैक मनी लेके आ रहे हैं और उसको वाइट करते हैं। अब वाइट कैसे करते हैं, अब्रॉड में लोगों के साथ डील करके या अब्रॉड के जो बैंक है वहां डाल के। तो हमारा इनिशियली इंडिया का बाहर अब्रॉड के बैंक से इतने सारा डेली बेसिस पे कम्युनिकेशन नहीं था, ठीक है। आज जो टेक्नोलॉजी वो शायद 2000 में भी नहीं थी, ठीक है। तुम सब भी आई गेस 2000 के ही किड्स हो, है ना। तो उसके पहले फोर फोर फाइव फाइव के के हो, हो तो मैं तो अपने एज नाइनटी 90s की अगर बात करूँ, 90s में तो ये सारी टेक्नोलॉजीज भी नहीं थी कि हम इतना ज्यादा उनसे उनके साथ कन्वे कर सके कि आज आपके बैंक ट्रांजेक्शन क्या है, क्या आप रिकॉर्ड शेयर कर सकते, इतना टेक भी तब नहीं था, ठीक है। जब जब दो तीन बार हमने ये चीजें पकड़ी, तब हमने मनी लॉन्ड्रिंग को तो पहले डिफाइन किया कि देर इज समथिंग मनी लॉन्ड्रिंग। अब मनी लॉन्ड्रिंग का मैंने मीनिंग ऐसे निकाला जो मैंने कल भी एक्सप्लेन किया कि जैसे कपड़े खराब हो जाते हैं तो आप कहाँ भेजते हो उसको, लॉन्ड्री में, तो क्लीन करने के लिए भेजते हो। तो पैसे जो खराब तरीके से कमाए जाते हैं उसको हम कहाँ भेज रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग में। तो ब्लैक ब्लैक मनी मनी इनटू व्हाइट मनी, ठीक है। अब इसमें तीन स्टेप्स हैं जो पूरे एक्ट में हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग, दूसरा द प्रोसेस, ठीक है। तो मनी लॉन्ड्रिंग यानी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को क्लियर इलिसिटेड ओरिजिन से, मतलब क्लियर लीगल ओरिजिन में उसको लेके आना, ठीक है। डिस्गाइज करना, देयर इज अ टर्म डिस्गाइज, यानी छुपाना, चीजों को दूसरी तरीके से लेके आना। अब मनी लॉन्ड्रिंग में तीन प्रोसेस की बात हो रही है, जिसमें वो बात कर रहे हैं प्लेसमेंट की, लेयरिंग की और इंटीग्रेशन की। सिर्फ ये प्रोसेस समझाने के लिए मुझे तुम्हें ये वीडियो दिखाना था। प्लेसमेंट्स में क्या होता है कि जब आपके पास गलत तरीके से पैसा आ गया, यानी ड्रग डीलिंग से पैसा आ गया, तो आपने क्या किया, उसको बैंक अकाउंट्स में डिपॉजिट किया, मतलब आप फाइनेंशियल सिस्टम में उसको प्लेस किया। अब हमने उसको मार्केट में लेके आया कि इतना सारा पैसा हमारे पास है। अब जब भी कोई ऐसा मैटर होगा तो तुम पकड़े जाओगे, तुम्हारी तो इतनी इनकम ही नहीं है, तुम्हारे पास ये पैसा कैसे आया, मतलब किसी इलीगल सोर्स से आया होगा। तो तुम्हें उसे क्लियर करना पड़ेगा, तुम्हें उसे क्लीन सोर्स बनाना पड़ेगा। उसके लिए तुमने क्या किया, लेयरिंग करी, ठीक है। तो अब जब आप फाइनेंशियल सिस्टम में लेके आए, तो इकट्ठा डॉलर 250 मिलियन नहीं लेके आए थे, वाया वाया लेके आए थे, ठीक है। एम्बुलेंस वाले बंदे से, वो लेडी से, वो एयरपोर्ट क्लीनर से, वाया वाया आपने मार्केट में छोटे छोटे अमाउंट लेके आए। अब जब वो मार्केट में आ गए हैं, तो आपको उसके सोर्स छुपाने पड़ेंगे कि ताकि ये एयरपोर्ट वाले ये लोग भी ना फंसे। तो आपने क्या किया, उसके ही एक ही ट्रांजेक्शन के, मतलब समझो कि मैंने 1,000 गड्डी बनाई है 10-10 हजार की, अब इसी लोगों को मैं बार बार बैंक्स बैंक्स में ट्रांसफर करती जा रही हूँ, छोटे छोटे जो ज्यादा नोन ब्रांड नोन बैंक्स नहीं है, ठीक है। तो छोटे छोटे बैंक्स में में बहुत ज्यादा 1,000-2,000 के ट्रांजेक्शन कर रही हूँ, पैसे निकाल रहे हो फिर डाल रहे हो, फिर निकाल रहे हो फिर डाल रहे हो, तो यहां से निकाल के दूसरे बैंक में, वहां से निकाल के दूसरे बैंक में, ऐसे करके उसने वो दिखाया था। दिस इज कॉल्ड लेयरिंग, जब एक ही अमाउंट को 10 बार10 बार घुमाते हो, ठीक है। अब जब आपने घुमा दिया, वो क्लीन हो गया। वो क्लीन कैसे हुआ, क्योंकि जब भी इन्वेस्टिगेशन होता था तो इनिशियली भाई शुरू शुरू की चार एंट्रीज यहाँ के देखी, उसके बाद तो सब फेयर है, इसके तो हमारे पास है। अब पता चला उसके बाद 1,000 एंट्रीज है जो शायद ब्लैक इंटू व्हाइट करने की कोशिश की जा रही थी। लास्ट में क्या किया उसने, जब इतना पैसा घुमा दिया, तो फाइनली उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया ताकि हमको पता ही नहीं चले कि कहाँ गया वो पैसा, ठीक है। तो आपने क्या किया, लग्जरी एसेट्स खरीद लिए, महंगी गाड़ी, महंगा घर, रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज या शेयर्स में अच्छे खासे अमाउंट का इन्वेस्टमेंट्स किसी ना किसी कंपनी में करके उसे दिखा दिया कि भाई देखो पैसा कमाया था और इन्वेस्ट हो गया, या इन्वेस्टमेंट से और पैसा आता जा रहा है, ठीक है। तो ये तीन प्रोसेस हैं जो इनिशियली हमने कल भी समझे थे। नाउ वी हैव रीच टू, तो जो लोग नहीं आए थे मैं सिर्फ बता देती हूँ कि हमने पहले समझा था मनी लॉन्ड्रिंग का मीनिंग। तो अभी एक्ट स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ था कि व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग, जस्ट एन इंट्रोडक्शन, जिसमें क्राइम्स उन्होंने एक्सप्लेन किए थे कैसे कैसे क्राइम्स होता। तो नॉट जस्ट ड्रग ट्रैफिकिंग, कोई भी ब्राइब, ब्राइब, स्मगलिंग, ठीक है, ऑफिशियल जो पब्लिक ऑफिशियल्स जो ब्राइब लेते हैं, आर्म्स बेचना जो अलाउड नहीं है, ठीक है, ये सब क्राइम में कवर होते हैं, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग को एक सीरियस ऑफेंस, क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है। ये हमने कल दो तीन बार चीजें समझी थी। अब बच्चे मनी लॉन्ड्रिंग का एक इम्पैक्ट इम्पॉर्टेंट है कि मनी लॉन्ड्रिंग से हमारे डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आएगा। तो पहले उन्होंने कहा कि पहले अगर देखो, तो अगर इनिशियल स्टेजेस में देखो तो ये हमारे लिए बेनिफिट है क्योंकि मार्केट में बहुत सारा पैसा आ रहा है, पर लॉन्ग लॉन्ग टर्म टर्म के लिए नेगेटिव है क्योंकि हमारे ऑफिशियल जो हमारे पब्लिक ऑफिसर्स हैं उनको भी आप ब्राइब कर करके खरीदते जाओगे तो हमारी गवर्नमेंट चलेगी कैसे। तो हमारी इकोनॉमी के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, डेवलपमेंट के लिए ये बड़ा ही नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आता है, ठीक है।
इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस है जो पूरे एक्ट में हम बार बार देखेंगे, वो है विजन मंडल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इस वाले केस में उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग को एक्सप्लेन किया था कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली डिसाइड किया था कि अच्छा मनी लॉन्ड्रिंग में ये तीन स्टेजेस कवर होती है तभी वो मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। ठीक है, हमने स्टार्ट किए थे कल कि ये जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है, हम ये नहीं सीख रहे हैं व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग, हम ये सीख रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग को हमें रोकना है, ये एक बड़ा ही क्रिमिनल ऑफेंस है। इसको रोकने के लिए कुछ ग्लोबली इनिशिएटिव्स लिए गए थे। ग्लोबली इनिशिएटिव्स यानी बाहर की कंट्रीज ने कुछ कुछ इनिशिएटिव्स लिए थे ताकि उनकी कंट्रीज में भी अगर मनी लॉन्ड्रिंग हो तो वो रोक सकें, या हम इंडियंस बाहर की कंट्रीज में जाके जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं वो उसे कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने कुछ इनिशिएटिव, तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कंट्रीज हैं बाहर, तो हर कंट्री ने कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लिया था। वन बाय वन हम सिर्फ रिकॉल कर लेते हैं अभी, और डाउट हम लास्ट में ले लेंगे। ठीक है, पहला हमने देखा था यूनाइटेड नेशन नेशनल कन्वेंशन, जिसने डिफाइन किया था कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। ठीक है, दूसरा था बेजल स्टेटमेंट प्रिंसिपल, जिसने कुछ एजेंसीज बनाई थी और उनको असिस्ट किया था ऑन प्रिवेंशन ऑफ कॉम्बैटिंग प्रॉब्लम्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। लास्ट हमने एक थर्ड देखा था एफएटीएफ, ये शायद पहले भी सुना हो, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये बेसिकली तीन चार चीजें लेके आया था जिसने क्लियरली बोल दिया था कि ये मनी लॉन्ड्रिंग एक क्रिमिनल ऑफेंस है सीरियस। उसके बाद फिर जितने ट्रांजेक्शन होते हैं उसके लिए बैंक को इन लोगों को इंस्ट्रक्शन देने थे कि किस तरीके से आप अपने पास रिकॉर्ड्स रखो इन चीजों के। कॉन्फिसिकेट करना प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यानी क्राइम करके जो पैसा आता है उसको सीज करना, उसको कॉन्फिसिकेट करना और दोबारा उस पर्सन को नहीं देना है। डिक्लेयरिंग कि मनी लॉन्ड्रिंग टू बी एन एक्सट्राडेबल ऑफेंस, ठीक है, मतलब एकदम ही सीरियस ऑफेंस, और प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर दीज, मतलब बेसिकली पकड़ने के लिए मनी लॉन्डरर्स को। तो हमारे एफएटीएफ ने हमारे बाहर बहुत लोगों के साथ सिग्नेटरीज कराए ताकि हमारे उनके साथ रिलेशन अच्छे और ऐसे लोगों को हम पकड़ सके। अब एक वेना कन्वेंशन, वन बाय वन सिर्फ नाम देख लो, अभी डाउट्स में ले लूंगी। एक वेना कन्वेंशन पढ़ा, यूरोपियन कन्वेंशन पढ़ा, यूरोपियन यूनियन मनी लॉन्ड्रिंग डायरेक्टिव, फिर ये बेजल कमिटी स्टेटमेंट, ग्लोबल प्रोग्राम अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एगमॉन्ट ग्रुप, एशियन पैसिफिक ग्रुप ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग और यूरेशियन। अब बच्चे ये बहुत सारे हैं, ठीक है, उनने तुम्हें नॉलेज के लिए दे दिया है। हर एक, मैं एक क्रक्स बता देती हूँ, हर एक कन्वेंशन में, हर एक इनिशिएटिव में कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने की बात कही है, नथिंग एल्स। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई आ भी जाता है जो शायद तुमने सिर्फ रीड किया होगा, गो थ्रू किया होगा या रिकॉल नहीं कर पाते, तो ये समझो कि एक्ट उसी के लिए है। तो मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैक करने के लिए, ऐसे पैसे को देखने के लिए कि कहाँ से आया है, इस पैसे का क्या करना है, सीज करना है, सर्च करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, गुड रिलेशंस बनाने हैं दूसरों के साथ, बैंक्स को क्या क्या इंस्ट्रक्शंस देने कि अब भाई तुम इतने रिकॉर्ड्स मेंटेन करो, हर बार चेक करो लोगों की केवाईसीज लो, मतलब उनकी आइडेंटिटीज चेक करो कि कहाँ से पैसा आ रहा है। अब ये सारे कन्वेंशंस में से हर किसी का एक सिंपल पर्पस है जो अल्टीमेटली रिजल्ट यही देता है कि मनी लॉन्ड्रिंग को हम प्रिवेंट कर सके। ठीक है, एक बार रीड करना, किसी में भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। और मैं पहले ही एक डिस्क्लेमर दे दे रही हूँ कि अभी तक जितने एक्ट पढ़े थे उनकी वर्डिंग्स काफी इजी थी, मनी लॉन्ड्रिंग की वर्डिंग्स थोड़ी सी बेटर इंग्लिश है। ठीक है, थोड़ी सी बेटर इंग्लिश है, तो इनिशियली अगर कहीं दिक्कत जा रही तो तीन चार बार रीड करो, डाउट पूछने के बाद भी तो समझ आ जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं इंडियन इनिशिएटिव। ग्लोबली तो इतने सारे हो गए, इंडियन इनिशिएटिव में क्या किया उन्होंने, एक एक्ट बना दिया, मतलब एक कंप्लीट लॉ बना दिया इसके लिए, और इसके लिए प्रोविजंस बता दिए कि अगर ऐसा होगा तो हम आपके साथ ये करेंगे। अब मैं तुम्हें शॉर्ट में समझाती हूँ कि क्या लिखा है। सपोज इस पर्सन ने जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की है उसके बाद ये चिल कर रहा था, इसने कुछ प्रॉपर्टीज भी खरीद ली होंगी, इसने बहुत सारे पैसे की हेरा फेरी की, इसको पेनाल्टी होगी, जेल होगी, इसकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास हो जाएगी, इसके पास जो भी पैसा था वो सर्च होके, सीज होके कॉन्फिसिकेट हो जाएगा। अब पूरे एक्ट में हर चीज की टाइम लिमिट दी हुई है कि अगर कॉन्फिसिकेट कर रहे हो, अगर सीज कर रहे हो, तो पहले 180 डेज के लिए रख कर लो, उसके बाद जाके इन्वेस्टिगेशन करो, 180 दिन यानी 6 महीने, और उसके बाद पता चलता है कि हाँ इस बंदे ने गलत किया है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, तो उसकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिसिकेट कर लो, जब्त कर लो, फिर गवर्नमेंट को उस प्रॉपर्टी का क्या करना है वो गवर्नमेंट सोचेगा। अब ये 6 महीने के पहले जब सर्च सीजर चल रहा था उसके पहले उसने प्रॉपर्टी ली होगी, हो सकता है उस प्रॉपर्टी से जाके लोन भी लिया हो बैंक से, हो सकता है किसी पर्सन को दी हो कि तुम ये रख लो प्रॉपर्टी लीज वीज पे, वो सारे ट्रांजेक्शन को लॉ में बोल दिया गया है वो सब वॉइड है, हमें मतलब नहीं है, तुमने आगे किसी से भी लोन लिया हो, तुमने किसी से पैसे खाए हो, उसके उसका उसका पैसे की जिम्मेदारी भी अब तुम्हारी, ये प्रॉपर्टी तो हम अपने पास लेके जाएंगे। ठीक
ठीक है, तो बैंक के पैसे हो गए, किसी पर्सन का कोई इंटरेस्ट है, वो सारे ट्रांजेक्शन को जो तुमने उन पैसों से किए हैं, वो जब जब जितने जितने हम पकड़ सकते हैं वो सब हम वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, तो बस अथॉरिटीज की बात है और क्या ऑफेंस है, किस तरीके से उन ऑफेंस के अगेंस्ट एक्शन लिया गया है, इस एक्ट में वो एक्सप्लेन किया है उन्होंने। किसी को कोई डाउट अभी तक? चलो, इंडियन इनिशिएटिव में देखो उन्होंने पूरा लॉ बताया है, तो 10 चैप्टर का छोटा सा एक्ट बनाया है उन्होंने, जिसमें पहले तो ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, फिर अटैचमेंट, एडजुडिकेशन एंड कॉन्फिसिकेशन। तो अटैचमेंट मतलब प्रॉपर्टी को जो आप अटैच कर रहे हो, ठीक है, और एजुडिकेशन मतलब जो लीगल प्रोसीडिंग्स होंगे, और कॉन्फिस्केशन मतलब प्रॉपर्टी कंप्लीटली हमारे पास जब्त हो गई है। फिर ऑब्लिगेशन ऑफ बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंटरमीडियरीज, क्योंकि इनके थ्रू ही हमारे ट्रांजेक्शन्स की लेयरिंग होती है, तो इनको कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ये भी किसी ना किसी चीज़ के लिए ऑब्लाइज किए जाएंगे, वो भी इस एक्ट में डिक्लेयर उन्होंने कर दिया। अब कोई चीज़ लॉ में लिख दी बच्चे, मतलब सबको माननी पड़ेगी। तो इंडियन इनिशिएटिव में हमने कोई कन्वेंशन नहीं बनाया, हमने सीधे लॉ बना दिया। ठीक है, ऑफ कोर्स अगर इन ये जो डायरेक्टर अथॉरिटीज इसमें आएंगे उनकी बात नहीं आपको सही लगी, तो आप आगे अपील भी कर सकते हो कि मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा ये नहीं है, फिर उसके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए हैं, अथॉरिटीज हैं, अटैचमेंट कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, मतलब पैसा हो तो उसका क्या करना है, प्रॉपर्टी हो तो उसका क्या करना है, वो उन्होंने डिस्क्राइब किया, और लास्ट में कुछ मिसलेनियस है कि किस किस के पास क्या क्या पावर है फर्दर रूल्स बनाने के लिए। ठीक है, हाँ जी, कन्वेंशन मतलब बेसिकली एक इनिशिएटिव जिसमें दो तीन कंट्रीज आपस में मिलके मीटिंग्स करते, जैसे G20 समिट हुआ था यहाँ पे, वैसे इसको कन्वेंशन नाम दिया हुआ है। दो तीन कंट्रीज आपस में बैठ के मीटिंग करते हैं और डिस्कस करते हैं, हमारी कंट्री में ये होता है, हमारी कंट्री में, तो ओके लेट्स टेक एन इनिशिएटिव, तो इसको हम एक नाम नाम दे देते हैं। तो क्या नाम देंगे, तो जैसे एक वेना कन्वेंशन है, यूरोप कन्वेंशन है, या फिर किसी किसी ने, हाँ, बेजल स्टेटमेंट प्रिंसिपल बनाया है उन्होंने। ठीक है, तो जिन जिन ने उसको कन्वेंशन नाम देना है कन्वेंशन दे दो, जिन जिन ने उसको कुछ और नाम देना है और दे दो, तो बेसिकली एक टाइटल है टू द मीटिंग जो हेल्ड हुई है आपके बीच। ठीक है, उसके बाद वो किसी ना किसी पर्पस से निकल के आता है, तो वो पर्पस डिफाइंड है। चलो स्टार्ट करते हैं हम। पहले तो उन्होंने बेसिकली यहाँ पे सिर्फ बताया हुआ है कि एक्ट में यही जो हमने अभी 10 चैप्टर्स पढ़े ना, ये इन पैराग्राफ में उन्होंने वापस एक्सप्लेन किया हुआ है कि हर एक चैप्टर में क्या कितने सेक्शंस हैं और किस चैप्टर का क्या नाम है। वापस देखो वही केस आया है जो मैंने बोला एंटायर एक्ट में इंपॉर्टेंट है, विजय मंदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया प्रियम्बल ऑफ द एक्ट। तो अभी तक हर एक्ट के पहले हम उसका ऑब्जेक्ट पढ़ते थे, वो ऑब्जेक्ट इस केस के थ्रू उन्होंने बताया है। एन एक्ट टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग, पॉइंट नंबर 1, टू प्रोवाइड फॉर कॉन्फिस्केशन ऑफ द प्रॉपर्टी डिराइव फ्रॉम, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग से जो प्रॉपर्टी आ रही है उसको कैसे कॉन्फिस्केट हो गया, पॉइंट नंबर 2, और इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग फॉर द मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ और इंसिडेंटल देयर टू। तो बेसिकली 2 पॉइंट्स है पर्पस के लिए, एक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, दूसरा कॉन्फिस्केशन ऑफ दोज प्रॉपर्टीज जो आपके मनी लॉन्ड्रिंग से आई है। क्लियर है सबको? इसके बाद उन्होंने कुछ पॉइंटर्स जो पूरे एक्ट में बताए हुए थे वो बताए हैं। ठीक है, आ आज जाओ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में। पहले वो बता रहे हैं अटैचमेंट में, अभी हमने समझा व्हाट इज अटैचमेंट। अटैचमेंट अटैचमेंट हैज टू मीन प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर, कन्वर्जन, डिस्पोजिशन, मूवमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बाय एन ऑर्डर इश्यूड अंडर चैप्टर 3। मतलब प्रॉपर्टी अब किसकी हो गई, गवर्नमेंट की हो गई, अटैच कर दी हमने, अब आप चाह के भी उसको ना ही ट्रांसफर कर सकते हो, मूव कर सकते हो, किसी और को लीज पे दे सकते हो, उससे रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन कन्वर्ट कर सकते हो, आपको अलाउड नहीं है। तो जब आपकी प्रॉपर्टी में अटैचमेंट लग जाएगा, जैसे अभी तक सीज, सर्च, कॉन्फिसिकेट, फोर फीचर पढ़ रहे थे, मनी लॉन्ड्रिंग में वो नई टर्म लेके आए अटैचमेंट। तो जब हम अटैच कर देते हैं आपकी प्रॉपर्टी, तो आप इसको आगे यूज नहीं कर सकते फॉर एनी ऑफ दिस पर्पस। तो कंप्लीट क्या है इसमें, प्रोहिबिशन है। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, जैसे मैंने एज टू मीन एनी प्रॉपर्टी डिराइव्ड और ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय पर्सन, रिजल्ट ऑफ एनी क्रिमिनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू शेड्यूल ऑफेंस और वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी और सच हैज बीन टेकन आउटसाइड इंडिया या कंट्री, देन द प्रॉपर्टी इक्विवेलेंट इन वैल्यू हेल्ड विद इन द कंट्री और अब्रॉड। कुछ नहीं, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मतलब क्रिमिनल एक्टिविटी से जो भी पैसा कमाया, जो भी प्रॉपर्टी कमाई, जो कुछ भी कमाया, वो सब क्या है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। चाहे वो इंडिया में कमाया हो, चाहे अब्रॉड में कमाया हो, चाहे अब्रॉड में कमा के इंडिया में डाला हो या इंडिया में कमा के अब्रॉड में डाला हो, सब कुछ वो डाल रहे हैं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में। प्रॉपर्टी मतलब हमें पता है कोई भी एसेट ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, बेनिफिशियल ओनर। अब यहाँ पे जो लोग जो वीडियो में कर रहे थे, एम्बुलेंस ड्राइवर, वो लेडी,
वो उसका भाई, एयरपोर्ट क्लीनर, ये लोग सब किसके लिए काम कर रहे थे? वो बंदा जो चिल कर रहा था, जो मेन, जिसने ड्रग में डील किया, जो, और एक मास्टरमाइंड भी था इसमें, मनी लॉन्डर, ठीक है? तो ये लोगों के अलावा भी अगर किसी के पास फाइनली उस चीज का बेनिफिट आता है तो वो भी बेनिफिशियल ओनर में कवर होता है, ठीक है? मीन एंड यू अल्टीमेटली ओन्स और कंट्रोल्स अ क्लाइंट ऑफ अ रिपोर्टिंग एंटिटी और द पर्सन हु ऑन बिहाफ ऑफ ट्रांजेक्शन इज बीइंग कंडक्टेड, जिसके लिए वो गलत काम किए जा रहे हैं, जिसके लिए वो एक्सरसाइज की जा रही है, वो सब कवर हो जाएगा बेनिफिशियल ओनर में. इंटरमीडियरी यानी स्टॉक ब्रोकर्स, जो बीच के लोग होते हैं, स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, बैंकर टू इशू ट्रस्ट, ट्रस्टी, तो बीच में अगर कहीं वर्ड आता है इंटरमीडरीज, तो उसमें ये सारे लोग कवर होते हैं, इसलिए उसको डिफाइन किया गया है. क्लियर है? इसमें डेफिनेशंस के आने के चांसेस कम है इस एक्ट में. अभी तक जिसमें लास्ट एक्ट में था तो मैंने मार्क कराई थी, इस एक्ट में आने के चांसेस कम है. इन्वेस्टिगेशन पता है सबको क्या होता है, मींस अ बैंकिंग फाइनेंशियल इन कैरिंग एनी डेजिग्नेटेड बिजनेस और ये रिपोर्टिंग एंटिटी है. इन्वेस्टिगेशन यानी कंडक्टेड बाय अ डायरेक्टर और एनी अथॉरिटी ऑथराइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. शेड्यूल ऑफेंस यानी जो पार्ट ए ऑफ द शेड्यूल, मतलब एक्ट में क्लियरली डिफाइंड है, ये वो वाले ऑफेंस हैं जो क्लियरली नीचे शेड्यूल अटैचमेंट जो होता है उसमें डिफाइंड होते हैं. स्पेशल कोर्ट हम पढ़ेंगे, जो हमने पढ़ा है सेशन कोर्ट बोलते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन, जो क्रिमिनल सीआरपीसी में पढ़ा है कोर्ट ऑफ सेशन, इसके लिए हमने एक स्पेशल कोर्ट बनाया जिसको कोर्ट ऑफ सेशन ही है वो एक्चुअल में हमारा, जो क्रिमिनल केसेस हैंडल करता है, यहाँ पे नाम दिया हुआ है उसको स्पेशल कोर्ट. ट्रांसफर मतलब सेल, परचेज, मॉर्गेज, कुछ भी. वैल्यू मतलब वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, जिस दिन आपने उसको अक्वायर किया था या जिस दिन उसको बेच रहे हो, उस दिन उसकी क्या वैल्यू है, उस बेस पे ही आपकी प्रॉपर्टी को आगे डील किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट जब वो कॉन्फिस्केट हो जाती है. अगेन देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाट आर प्रोसीड्स ऑफ द क्राइम, जो ऊपर पड़ा है नीचे वही आंसर दिया हुआ है. चलो वापस बता रहे हैं वो, व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग, पहले सिर्फ इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, अब एक्चुअल में के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग क्या है वो यहाँ पे डिफाइन किया गया. नुपुर रीड करना चालू करना सेक्शन 3. बस रुक जाओ, अब देखो मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन मैंने बताया, जो लोग किसी भी तरीके से इन्वॉल्व होते हैं वो लोग इसमें कवर हो जाते हैं. अब अगर इसको याद करना हो तो पॉइंट वाइज, पहले तो सेक्शन 3 ने एक्सप्लेन किया है, तो हुसोएवर डायरेक्टली इनडायरेक्टली अटेम्प्ट्स टू इंडल्ज, नोइंगली असिस्ट, और नोइंगली इज अ पार्टी और एक्चुअली इन्वॉल्व इन अ प्रोसेस और एक्टिविटी कनेक्टेड विद प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, ठीक है. थर्ड पॉइंट, इंक्लूडिंग इट्स कंसीलमेंट यानी छुपाना, पोजेशन यानी खुद के पास रखना, एक्विजिशन यानी अक्वायर कर लेना, यूज कर लेना प्रॉपर्टी, प्रोजेक्टिंग क्लेमिंग इट इज एन अनटेन्ड प्रॉपर्टी, यानी कि जो बोल रहे हैं कि ये खराब प्रॉपर्टी नहीं है, लीगली ही प्रॉपर्टी मैंने कमाई है, ठीक है. शैल बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इज एन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, ठीक है. तो वो पैसा जिसने नोइंगली, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली किसी को असिस्ट करके, किसी के साथ जुड़ के या खुद से ऐसा कोई काम किया हो, कोई एक्टिविटी करी हो जिससे आपने क्या कमाया हो, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, जिसको आपने क्या किया हो, पोजेस किया हो, कंसील किया हो, एक्वायर किया हो, यूज किया हो, प्रोजेक्ट किया हो, और कह रहे हो क्या, ये अनटेंटेड प्रॉपर्टी है, यानी कि खराब प्रॉपर्टी नहीं है, ब्लैक मनी नहीं है, वो एक मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस में गिल्टी होता है. अभी सबको समझ आ गया? चलो सेक्शन 4 में जिसने ये चीज कमिट की है उसको रिगरस पनिशमेंट है, नॉट लेस देन 3 इयर्स, विच में एक्सटेंड्स टू 7 इयर्स एंड शैल आल्सो बी लाइबल टू फाइन. तो डेफिनेशन के लिए उनने पनिशमेंट भी यही बता दी, तो 3 साल, विच में एक्सटेंड टू 7 इयर्स प्लस फाइन. और अगर ये नार्कोटिक ड्रग्स का ऑफेंस होगा तो आपकी इम्प्रिजनमेंट भी रिग्रेस हो जाएगी, विच में एक्सटेंड टू 10 इयर्स. क्लियर है? तो 3, 7 और 10, 10 कब, जब नार्कोटिक ड्रग्स एक्ट के अंदर कोई ऑफेंस करोगे तब. अब जो ऊपर
ऑफेंस पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी मनी लॉन्ड्रिंग की, नीचे अगेन वही के वापस उन्होंने उस चीज को पॉइंटर्स में समझाया, देखो ए बी सी डी ई कंसीलमेंट पोजेशन, और ये नीचे अगेन सेम केस में फिर से उस चीज को डिफाइन किया कि तो पूरे एक्ट में ये वाला क्वेश्चन कुछ भी आ जाए अजमन मनी लॉन्ड्रिंग, तो ये एक्ट नाम विजय मंदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, याद कर लो ठीक है। आ जाओ अटैचमेंट अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, अटैचमेंट अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग। अटैचमेंट का मीनिंग हमने क्या देखा कि आपको क्या है, प्रोहिबिशन है दैट यू कैन नॉट ट्रांसफर कन्वर्ट सेल प्रॉपर्टी टू एनीबॉडी नॉट इवन मॉर्टगेज। तो ऑथराइज सेक्शन 5 में बोल दिया, एक डायरेक्टर या कोई ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर ऑथराइज्ड टू बाय हिम, मतलब किसी पर्सन ने किसी डायरेक्टर और ऑफिसर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एक पर्सन है कोई ऑफिसर जिसने एक डायरेक्टर या ऑफिसर को ऑथराइज किया गया है, जिसको ऐसा लगता है हैज रीजन टू बिलीव ऑन बेसिस ऑफ मटेरियल इन हिज पोजेशन दैट एनी पर्सन इज पोजेशन ऑफ एनी प्रोसीड्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, जिसको खुद से लगता है कि यार ये इसकी इनकी इतनी इनकम है नहीं पर इसके पास ऐसी प्रॉपर्टी का पोजेशन है जो कहीं ना कहीं शायद मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसीड से इसने कमाई होगी। सच पर्सन हैज बीन चार्ज और हैविंग कमिटेड अ शेड्यूल ऑफेंस एंड सच प्रोसीड्स आर लाइकली टू बी कंसील ट्रांसफर डेल्थ इन सच मैनर एज मे बी रिजल्टिंग इन फ्रस्ट्रेटिंग एनी प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू कॉन्फिस्केशन ऑफ सच प्रोसीड्स टू क्राइम। देखा मैं बोला था लैंग्वेज थोड़ी सी ट्रिकी है, अब वो कहना थोड़ा सा ओन वर्ड इसमें कवर कर सकते हो ठीक है, पर याद करने के लिए पॉइंटर्स बनाओगे कंप्लीट एक्ट में तो ईजी हो जाएगा। पहले वो बोल रहे हैं कि अगर किसी, पहले हिंदी में समझ लेना जब भी पढ़ोगे तो फिर याद करने के लिए इजी हो जाएगा। तो कोई भी ऑथराइज पर्सन जो कि डायरेक्टर है या फिर कोई ऑफिसर है जिसको अथॉरिटी है, अगर उसको लगता है कि किसी पर्सन के पास ऐसी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी का पोजेशन है जो शायद उसने प्रोसीड्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग से कमाई होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहे हैं कि इस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से डील कैसे करना है, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग के सेक्शन 5 में बताया हुआ है कि इस प्रोसीड्स को कॉन्फिसिकेट किस तरीके से करना है। तो उसके पास एक तो इस चीज की अथॉरिटी है, दूसरा दूसरा वो इसे कॉन्फिसिकेट एज पर द प्रोविजंस मेंशन्ड अंडर सेक्शन 5 के हिसाब से करेगा ठीक है। अब प्रोविजनली अटैच बाय ऑर्डर इन राइटिंग सच प्रॉपर्टी फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, फिर उसको ऑर्डर करेगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने ये प्रॉपर्टी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से कमाई है, 180 डेज का टाइम वो लेगा, उसको ऑर्डर देगा कि अब मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी कॉन्फिसकेट कर रहा हूँ फॉर 180 डेज, जिसमें वो इन्वेस्टिगेट करेगा कि ये पैसा कहाँ से आया ठीक है। अब बच्चे जब ये सब हो रहा है तो इन सब में आपको वो कन्वेंशंस की हेल्प मिल सकती है जो ग्लोबल इनिशिएटिव्स है ठीक है। तो आप जा क्या कर सकते हो, FATF के पास जा सकते हो, तो उसके पास टीम है, आप वेना कन्वेंशन में जा सकते हो, आप यूरोप में जा सकते हो, तो इन लोगों के पास क्या अपनी टीम है, तो ये आपको हेल्प करेंगे इन 6 months टू फाइंड, अगर ये ट्रांजेक्शन अब्रॉड में भी हो रहे हैं तो टू फाइंड द एग्जैक्ट ट्रांजेक्शन जिसकी इतनी लेयरिंग हुई है, तो फिर पकड़ा जाएगा वो ठीक है। हो सकता है ये ना पता चला हो कि ड्रग डीलिंग से कमाया है, पर ये जरूर पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ ब्लैक का खूब सारा पैसा है ठीक है। द सेट प्रोविजनल, अच्छा ये वर्ड प्रोविजनल अटैचमेंट यानी कुछ टाइम के लिए हो रहा है, 180 डेज के लिए हो रहा है ना प्रॉपर्टी में अटैचमेंट, सीज जो हो रही है कॉन्फिस्केट हो रही है वो कुछ टाइम के लिए हो, तो इसलिए उसको प्रोविजनल बोला है। डज नॉट डिबार द पर्सन हु हैज द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम एंजॉइंग द सेम बट द सेड पर्सन इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम क्रिएटिंग एनी थर्ड पार्टी इंटरेस्ट इन द सेड प्रॉपर्टी, यानी कार पकड़ी गई आपकी तो आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप मॉर्टगेज नहीं कर सकते, यूज कर सकते हो ठीक है, बाकी चीजों से प्रोहिबिटेड है, थर्ड पार्टी इंटरेस्ट मत क्रिएट करो, खुद चाहो तो एंजॉय कर सकते हो, घर है आपने घर खरीदा आप रह सकते हो लेकिन किसी और को देके भाग नहीं सकते ठीक है। एजुकेटिंग अथॉरिटी और एजुडिकेशन, एजुकेटिंग अथॉरिटी वो जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट किया फॉर द एंटायर प्रोसेस लीगल प्रोसीडिंग्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग हैंडल करने के लिए, जिस पर्सन को वो कह रहे हैं वन और मोर पर्सन नॉट बिलो द प्रिस्क्राइब रैंक और डेजिग्नेटेड हैविंग प्रिस्क्राइब एक्सपीरियंस, यानी जो रूल्स में बताया उसको हमने बोल दिया एजुकेटिंग अथॉरिटी, बस इतना समझ लो जिसको सीजी अपॉइंट करेगी एज पर प्रिस्क्राइब रूल्स। एजुडिकेशन, एजुडिकेशन यानी जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग को लेके प्रोसीडिंग्स होंगी, तो एक पढ़ लिया अटैचमेंट, एजुडिकेशन में क्या होता है नोटिस जाता है कितने दिन के लिए, 30 दिन के लिए, टू इंडिकेट हिम उससे हम मांग रहे हैं कि 30 दिन का टाइम है अपनी सोर्स ऑफ इनकम बताओ, तुम्हारे पास इतना मुझे पैसा दिख रहा है 30 दिन में मुझे बताओ ये पैसा कहां से आया ठीक है।
या फिर तुमने कोई अर्निंग्स या एसेट जो भी कमाए हैं वो कब अक्वायर की रही, कैसे अक्वायर की, इसका सोर्स कहाँ से है, इसका पैसा कहाँ से आपके पास आया है, एविडेंस चाहिए ऑन विच यू रिलाइज एंड सच अदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इन पर्टिकुलर शो कॉज वाई एंड और एनी ऑफ द प्रॉपर्टी शुड नॉट बी डिक्लेयर टू बी प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग एंड कॉन्फिस्केटेड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट। हिंदी में बताऊं तो एक पर्सन जिस पे मुझे डाउट डाउट है कि इसने मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा कमाया है, तो बींग द एजुकेटिंग ऑफिसर मेरे पास राइट है कि मैं उसको 30 दिन का नोटिस दूं और उससे बोलूं कि तुम मुझे वो सारे सारे प्रूफ दो कि मैं तुम्हारे ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का एक्शन ना लूं। मुझे तुम बताओ पैसा कहाँ से आया, इनकम कहाँ से आती है, ये एसेट्स कहाँ से हैं, इन सबके एविडेंसेस चाहिए तो मैं तुम्हारे आगे अगेंस्ट एक्शन नहीं लूंगी। तो मुझे सारी क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 8(2) में कुछ बताया है कि अथॉरिटी के पास क्या क्या राइट्स हैं। अनन्या पढ़ना, एजुकेटिंग अथॉरिटी शैल, बस इतना ही पढ़ना। देखो बस भेज दिया नोटिस, 30 दिन में रिप्लाई आया। रिप्लाई आने के बाद पहली चीज वो क्या कर सकता है कि उसको और चीजें लगेगी तो कंसिडर कर लेगा पहली बात कि ठीक है तुम्हारा रिप्लाई मुझे मिल गया। दूसरी चीज वो चाहे तो उसके अगेंस्ट और और क्या, हियरिंग वगैरह रख सकता है कि मुझे नहीं लग रहा है तुम्हारे एविडेंसेस सही है, तो लेट्स गेट इन टू एजुकेटिंग और मुझे हियरिंग में तुम्हें चाहिए, ठीक है। या फिर जितनी सारी उसने भेजी है इन्फॉर्मेशन, जितने सारे, तो वो अपने रिकॉर्ड्स में हम रख सकते हैं। अब उसके पास राइट है कि तुम्हारे सारे एविडेंस, तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स अब मेरे रिकॉर्ड्स में रहेंगे जब तक ये चीज़ फाइनल नहीं हो जाती कि तुम मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थे कि नहीं थे, ठीक है। आइदर प्रोवाइडेड दैट दैट इफ द प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टीज क्लेम्ड बाय अ पर्सन अदर अदर देन अ देन पर्सन टू हुम द नोटिस हैज बीन इशूड, मतलब एक कोई पर्सन बोल रहा है ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं, ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो उसको हम एक अपॉर्चुनिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ट देंगे टू प्रूव दैट दैट की कि प्रॉपर्टी इज नॉट इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। तो उसके घर वाले आ गए कि नहीं नहीं इस ये तो पैसा नहीं कमाता लेकिन हम कमाते हैं, हम इसके बड़े भाई हैं या क्या वगैरह वगैरह, तो वो प्रूव कर दे कि ठीक है मनी लॉन्ड्रिंग की प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। हो सकता है कई लोग, कई बच्चे खुद नहीं कमाते पर उनके फादर या उनके भाई भाई उनको महंगी गाड़ी महंगा घर लेके दे देते हैं, तो अपन को और डाउट हो उस सकता है ना कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया, और वो बार बार बोले मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा घर है, मेरा बंगला है, मेरी गाड़ी है, तो उसको प्रूफ करने के लिए अपन ने उसको नोटिस भेजा तो कोई थर्ड पर्सन आ गया कि ये इसको हमने दी हुई है गाड़ी बंगला जो भी है, ठीक है। तो बस प्रूफ करना पड़ेगा कि इसमें कहीं भी किसी और चीज का इन्वॉल्वमेंट, मनी लॉन्ड्रिंग का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो एजुडिकेशन प्रोसेस में सिर्फ इतना है, 30 दिन का नोटिस, उसके बाद रिप्लाई आने के बाद 2-3 एक्शंस। कुछ जो सबसेक्शन 3 है उसमें बताया है कि अगर कोई प्रॉपर्टी फ्रीज की गई है, सीज की गई है, रिटेन, एक और टर्म नहीं आ गई, रिटेन, रिटेन यानी अपने पास रख लेना, तो ये हम तब तक कर सकते हैं जब तक हमारा इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। तो नीचे वही बोला है कि ठीक है आपने कर लिया, आपको कुछ फाइंडिंग्स मिली, आपको और और करना करना है है, तो यू कैन कंटिन्यू डूइंग दैट ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 365 डेज। जब तक हियरिंग पेंडेंसी केस वगैरह चल रहा है तो आप इन्वेस्टिगेशन में सारी चीजें अपने पास रख सकते हो रिकॉर्ड्स के लिए, ठीक है। नहीं कर सकते जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता। अब वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी इन सेंट्रल गवर्नमेंट यानी आपकी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी मिली, हमने कॉन्फिस्केट की, अल्टीमेटली मनी लॉन्ड्रिंग की प्रॉपर्टी तो किसको चली गई, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो उसमें यही बताया है कि ऑल सच राइट्स एंड द टाइटल टाइटल शैल वेस्ट एब्सोल्यूट एब्सोल्युटली इन सेंट्रल गवर्नमेंट, वो प्रॉपर्टीज जो मनी लॉन्ड्रिंग से आपने कमाई है, ठीक है, फ्री फ्रॉम ऑल इनकम ब्रांचेस, मतलब आपने अगर कोई लोन वगैरह भी लिया तो देखो मैंने मार्क किया है कि वो चीज क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। अब हम सिंगल सिंगल चैप्टर के जैसे टेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो एज सून एज वील एंड द चैप्टर वील जस्ट चेकआउट कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो मैं तुम्हें क्वेश्चन पेपर दिखा दूंगी कि मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग कैसे क्वेश्चन, तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा इसको आगे के लिए पढ़ने के लिए भी कि वाई वी आर नॉट
गेटिंग इन टू सो डेप्थ, उनने सिर्फ एक्ट भी बहुत छोटा सा ही है, एक्ट में भी उनने मनी लॉन्ड्रिंग उसकी वो और फिर प्रॉपर्टी का करना क्या है वही एक्सप्लेन, तो पूरा प्रोसीजर ही प्रोसीजर जा रहा है, कुछ ऐसा नया नहीं पता चल रहा है अबाउट द मनी लॉन्ड्रिंग, क्योंकि उसके बाद वो सिर्फ यही डिस्कस कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी का करना क्या है, वो पैसे का करना क्या है, ठीक है। अब लेकिन ऑब्लिगेशन ऑफ द बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंटरमीटरीज, जैसे मैंने बताया था कि अब इन लोगों के थ्रू सारी सारी मनी मनी लॉन्ड्रिंग होती है। रिक्वायर हायर एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी शैल मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू ट्रांजेक्शन कवर्ड इन क्लॉज बी इन सच मैनर एज इन एबल टू रिकंस्ट्रक्ट इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन, तो एक पर्सन के सारे ट्रांजेक्शन के आपके पास मेंटेन्ड होने चाहिए। दूसरा, फर्निश द डायरेक्टर, जब भी डायरेक्टर या ऑफिसर आपसे कुछ भी मांगेगा आपको उसे देना पड़ेगा, दिस इज एन ऑब्लिगेशन टू द बैंक एज पर द एक्ट, ठीक है। मेंटेन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स एविडेंसिंग आइडेंटिटी ऑफ द क्लाइंट्स बेनिफिशियल ओनर एज वेल एज अकाउंट फाइल्स बिजनेस करंट वन रिलेटिंग टू इट्स क्लाइंट, तो उसकी उसके रिकॉर्ड्स, उसने उसने अगर बोला कि ये मेरे लिए नहीं, मैं अपने बच्ची के लिए एफडी खुलवा रहा हूँ, उस बच्ची के रिकॉर्ड्स सबके लिए, सबकी क्लाइंट्स की आइडेंटिटी आपके पास होनी चाहिए, मतलब कस्टमर की ए टू जेड डिटेल्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तीन इंपॉर्टेंट ऑब्लिगेशंस हैं, वो शायद ये पूछ लें तुमसे कि क्या ऑब्लिगेशन हो सकता है, तो मेंटेन ऑल रिकॉर्ड्स, जब भी डायरेक्टर या ऑफिसर कोई भी इंफॉर्मेशन मांगेगा तो आपको वो देनी है, थर्ड क्लाइंट्स की आइडेंटिटीज आपको मेंटेन करके रखनी है, ठीक है। बी है फर्निश द डायरेक्टर विद इन सच टाइम एज मे बी प्रिस्क्राइब, मतलब डायरेक्टर ने बोला 30 दिन है इस वाले पर्सन की ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, तो बैंक बैंक के के ऊपर ऊपर ऑब्लिगेशन है कि उस डायरेक्टर को देना पड़ेगा। यहाँ पर डायरेक्टर मतलब कंपनी का डायरेक्टर नहीं, यहाँ पर डायरेक्टर मतलब वो पर्सन जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया हुआ है टू बी अ डायरेक्टर और ऑफिसर फॉर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। हाँ, ए वाला मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस इंक्लूडिंग, हाँ वही बता रही हूँ, इंक्लूडिंग इन्फॉर्मेशन टू ट्रांजेक्शंस कवर्ड अंडर क्लॉज बी इन सच मैनर एज एज टू टू एनेबल इज टू रिकंस्ट्रक्ट इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन। ये क्लॉज क्लॉज बी में क्या बोला है कि डायरेक्टर ने जब मांगा आपको फर्निश करना पड़ेगा, तो सारे इंडिविजुअल के ट्रांजेक्शंस ऐसे मेंटेन करो कि जब भी वो मांगे आप दोबारा वो चीज रिकॉल कर सको, रिकंस्ट्रक्ट कर पाओ कि एक इंडिविजुअल क्लिक किया इसके सारे आ गए, प्रीवियस कितने ईयर्स के भी ट्रांजेक्शन हो सब निकल आए, तो इस तरीके से मेंटेन करो रिकॉर्ड्स को, ठीक है। इसके बाद टॉपिक टॉपिक है है समन सर्च एंड सीजर, तीनों चीजें तुमको पता होगी, व्हाट इज समन, नोटिस नोटिस देना, देना, व्हाट व्हाट इज इज सर्चेस, सर्च सर्च मतलब मतलब इन्वेस्टिगेशन और डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स का का सर्च, सर्च, सीज मतलब जब्त जब्त कर, कर। तीनों तीनों वर्ड्स वर्ड्स को को उन्होंने उन्होंने इस इन दो सेक्शंस में एक्सप्लेन किया कि जब भी कोई रीजन टू बिलीव है कि मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस है तो उसको नोटिस भेजो, सर्च सर्च लो, लो, उसने रिकॉर्ड्स दिए उसके बाद उन रिकॉर्ड्स का सर्च लो कि भाई क्या 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 डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या मनी लॉन्ड्रिंग है, कहाँ से क्या ट्रांजेक्शन हुआ, एवरीथिंग, और सीज कर सकते हो उन दिनों के लिए जितने दिन उन्होंने एक्ट में प्रिस्क्राइब किए हैं, तब तब तक तक आप आप आगे का इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू कर सकते हो। अभी रीड करो, क्या हो गया? हाँ वो रोज मुझे याद दिला रहा है, पहले मैं याद दिलाती थी, अब वो मुझे याद दिला रहा है। 3 दिन, तेरा रिजल्ट नहीं है ना तभी तुझे तो हाफ डे है ना, तो वो हाफ डे को काउंट कर। खैर 2 बजे तक तो बहुत होता है, मतलब द एंटायर डे 2 बजे तक, तो कहाँ जा रही हो, नींद भी नहीं आती। बेटर ऑप्शन, मैं कुछ स्टूडेंट्स मूवी देखने चले गए थे, फिर 2 बजे बाहर आए, देखी मतलब मिड ऑफ द मूवी, एक्चुअली एक्चुअली अच्छा आइडिया, मूवी चले जाओ तो ध्यान क्या मूवी में ही रहता है, हाफ डे कब तक बैठेगी। हाँ 2 बजे के रिजल्ट देख के वापस मूवी में बैठ जाने का, तब तक वो हो जाता है। पढ़ लो पढ़ लो, अभी पॉज कर दूं क्या? तो पर ऐसे हम चीजें क्यों दें लोगों को?
प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट्स, मनी भी सीज कर सकते हैं जो अगर हमको, मैंने बताया ना पॉलिटिशियंस के यहाँ पे बहुत बार ऐसे हमने मूवीज में देखा है कि वॉल के अंदर, तो वो पूरा पैसा बोरी भर के हम सीज कर लेंगे। ईडीज, वो रेड वारना वन ऑफ द थिंग, या इसमें मनी लॉन्ड्रिंग में ईडीज आ जाते हैं, आपने ब्राइब वगैरह की हो तो ईडी पकड़ लेते हैं। तो एक ना एक ऑफिसर भी आएगा, वही तो है वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, या तो वो अपने इकोनॉमी में यूज कर लेगी, प्रॉपर्टीज को बेच देगी, पैसा गवर्नमेंट का। पॉइंट है उसके पास। हाँ वही 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 वैसा ही है, तो वही कर रहे हैं समन सर्च और सीजर में। ठीक है, हाँ वापस जी। चलो, रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी, जैसे वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी हमने समझा, रिटेन करने यानी ना गवर्नमेंट अपने पास कर लेती है, जो अभी तुम लोग मुझे खुद ही बता रहे हो कि प्रॉपर्टी गवर्नमेंट अपने जेब में रख लेती है। इसमें बोला गया है कि व्हेन एनी प्रॉपर्टी हैज बीन सीज्ड, फ्रोजन, या फिर अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द डायरेक्टर इन दिस बिहाफ हैज ऑन द बेसिस ऑफ मटीरियल इन हिज पोजेशन हैज रीजन टू बिलीव, कि भाई ये चीज क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग में है, और उसने सारे रीजंस राइटिंग में रिकॉर्ड कर दिए हैं। सच प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड टू बी रिटेन फॉर द पर्पस ऑफ एजुडिकेशन, सच प्रॉपर्टी में सीज्ड रिटेन फ्रोजन में कंटिन्यू टू रिमेन फ्रोजन फॉर अ पीरियड ऑफ 180 डेज फ्रॉम द डे ऑन व्हिच, जब भी ये फ्रोजन क्या हो। बच्चे बहुत सारा लीगल लीगल लिखा है, इसलिए मैंने वहां पे 180 डेज लिख दिया, तुम भी यही लिख दो। रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी यानी एक एक पर्सन 180 डेज के लिए कंटिन्यू कर सकता है उसको रिटेन, फ्रीज या सीज करने के लिए, जब तक कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाता। फिर दूसरे में है कि सेम चीज की आप कॉपी बनाओगे कि हमने ये प्रॉपर्टी रिटेन की है, और एजुडिकेटिंग अथॉरिटी को दोगे ना सील्ड एनवेलप, वो भेजने के बाद द प्रॉपर्टी शैल बी रिटर्न टू अ पर्सन फ्रॉम होम, अच्छा 180 डेज के बाद जिससे प्रॉपर्टी ली थी उसको वापस दे दो, अगर पता चलता है कि वो वहां पे कोई भी दिक्कत नहीं है, और एजुडिकेटिंग ऑफिसर अगर कहता है कि नहीं 180 डेज के बाद भी इसको फ्रीज करके रखो तो आपको रखनी पड़ेगी, नहीं तो आपको 180 डेज के बाद प्रॉपर्टी वापस दे देनी पड़ेगी। ठीक है, अब बिफोर द ऑथराइजिंग द रिटेंशन और कंटिन्यूशन ऑफ फ्रीजिंग ऑफ सच प्रॉपर्टी बियॉन्ड द पीरियड शैल सैटिस्फाई हिमसेल्फ द प्रॉपर्टीज प्राइमा फेसी इन्वॉल्वड इन मनी लॉन्ड्रिंग। ऑब्वियसली ऊपर जो पॉइंट बता रहे हैं वो कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने क्या बोला, 180 डेज के बाद भी प्रॉपर्टी फ्रीज करके रखो, तो वो तब बोलेगा ना जब उसको लगेगा, जब वो सैटिस्फाई कर लेगा खुद को कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व है। फिर आफ्टर पासिंग द ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन कोर्ट हैज डायरेक्ट रिलीज ऑफ ऑल द प्रॉपर्टी अदर देन द प्रॉपर्टी जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व नहीं थी, मतलब कि मनी लॉन्ड्रिंग वाली अपने पास रख लो, जो फेयर प्रॉपर्टी थी वो उसको वापस दे दो। उसके बाद फिर एंड व्हेन ऑर्डर रिलीजिंग अ प्रॉपर्टी हैज बीन मेड बाय अ स्पेशल कोर्ट बिहाफ में विथहोल्ड रिलीज ऑफ सच प्रॉपर्टी फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर इफ हिज ओपिनियन कि अच्छा आप क्या कर सकते हो, जैसे आप डायरेक्टर और ऑफिसर हो, ठीक है, आपको लगा मनी लॉन्ड्रिंग तो इसने की ही है, मैं श्योर हूँ श्योर हूँ, पर आप प्रूफ नहीं दे पा रहे हो, ठीक है, एजुडिकेटिंग ऑफिसर ने क्या बोला 180 डेज, चलो ठीक है और रख लो, तुम प्रूफ नहीं दे पा रहे ना, नहीं पहले 180 डेज जो शुरू से समझा रही हूँ, प्रूफ नहीं दे पा रहे ना 180 डेज और करो, चलो ठीक है मुझे भी लग रहा है कहीं ना कहीं है, और इन्वेस्टिगेशन करो, और इन्वेस्टिगेशन किया तो थोड़ा बहुत निकला मनी लॉन्ड्रिंग, बाकी सब बोला चलो वापस दो उसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब जो थोड़ा बहुत निकला है वो तो वेस्ट हो गया, लेकिन डायरेक्टर ऑफिसर कह रहे हैं नहीं सर नहीं साहब और है मनी लॉन्ड्रिंग, और मनी लॉन्ड्रिंग है, बाकी प्रॉपर्टीज भी थी। अब लेकिन एजुडिकेटिंग ऑफिसर को नहीं लग रहा है, तो वो बोल देगा ठीक है तुम्हारे पास 90 दिन है अपील करने के, 90 दिन और रख लो, अपील में आ जाओ, मेरे जो सीनियर जजेस हैं अगर वो अलाउ कर देते हैं तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग तब तक ढूंढ लेना। तो नेक्स्ट 90 डेज है कि अगर अपील के लिए आपको चाहिए तो उसके लिए आपको और 90 दिन मिल रहे हैं। सेम चीज है रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स, अभी पढ़ा रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी, रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स ये घर पे रीड करना, फिर प्रिजम्पशन ऑफ ये सारे टॉपिक्स हम कल देखेंगे। ठीक है।